है, राजनीतिक था, साजिश है, इसका जवाब जनता देगा। बहुत जल्दी आ रहा है 25 को समय, हम उस बात से डरते नहीं है। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। देखिए, संजीव हंस का जो मामला था उसमें जो गिरफ्तारी कल जो हुई थी देर रात, संजीव हंस का और गुलाब यादव का, आईएएस अधिकारी हैं बिहार कैडर के जो आईएएस अधिकारी हैं संजीव हंस, उनकी गिरफ्तारी हुई थी कल, बेउर जेल में भेज दिया गया था। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर है, गुलाब यादव जो कि राजद के पूर्व विधायक है, गुलाब यादव को पटना एयरपोर्ट पर लाया गया और उन्हें जो है अब यहाँ से लेके रवाना हो चुकी है ईडी की टीम ने। ये एक बड़ी खबर हम बता रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, कई ठिकानों पर कल छापेमारी चल रही थी, दिल्ली से रिसोर्ट से गिरफ्तार किया गया था गुलाब यादव को और पटना स्थित सरकारी आवास से संजीव हंस को गिरफ्तारी हुआ था, जिसके बाद से यहाँ पटना एयरपोर्ट पर गुलाब यादव को लाया गया। उसके बाद गुलाब यादव साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि हमें फंसाया गया है, ये राजनीतिक चाल है। क्या कुछ कहना है, पहले वो आप पहले उनके बातों को सुनिए, क्या कुछ कहना है गुलाब यादव। राजनीतिक था, साजिश है, इसका जवाब जनता देगा। बहुत जल्दी आ रहा है 25 के समय, हम उस बात से डरते नहीं है, किसी बात से डराते नहीं है। तो आपने सीधे तौर पर गुलाब यादव को बातों को सुना, उन्होंने साफ तौर पर ये कहते नजर आया कि हमें फंसाया गया। एक बड़ी खबर हम दे रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संजीव हंस जो कि बिहार कैडर के आईएएस हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तार करके उन्हें आज कल ही उन्हें बेउर जेल भेज दिया गया था। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर है, दिल्ली एक रिसोर्ट से गुलाब यादव को गिरफ्तार किया गया था, पूछताछ भी हुई थी उनकी, लेकिन आज जो है उन्हें पटना लाया गया है और पटना लाकर ईडी कहाँ ले जाएगी ये अभी पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन ये एक बड़ी खबर हम बता रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बिहार कैडर के आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है और पटना एयरपोर्ट पर अभी लाया गया ईडी की टीम ने और पूछताछ की जाएगी। और बता दें कि जुलाई माह में 21 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, कई आय से अधिक संपत्ति की बात भी सामने आई थी निकलकर और कई महंगे सामान उनके घर से भी बरामद किए गए थे और कई लोगों का भी नाम सामने निकल कर आया था। लेकिन प्रमुख जो है ईडी ने संजीव हंस और गुलाब यादव को बनाया था। लेकिन इसके बाद आज कल गिरफ्तारी हुई थी संजीव हंस की, जो बिहार कैडर के आईएएस है और नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद और सबसे चहेते आईएएस, और उसके बाद गुलाब यादव जो कि साथ में दोनों का बिजनेस पार्टनर था और कई जगह इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्ट करने की बात भी सामने निकल कर आई थी, करोड़ों का इन्वेस्ट दोनों ने साथ में मिलकर किया था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है ये, ईडी ने अब जो है गिरफ्तार कर लिया, अब जो है पटना लाया है गुलाब यादव को और कल ही बेउर जेल भेज दिया गया था संजीव हंस को। और अभी इस वक्त की एक बड़ी खबर हम बता रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो है संजीव हंस और गुलाब यादव की दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वेरल स्क्रम में इतना ही, आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड पर, मैं सुन सिंह पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।